अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, यदि आप विनेश फोगाट को धमाकेदार खिलाड़ी मानते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं। विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ वह पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम कर या हो। गोल्ड मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में विनेश ने जापान की इरी युकी को 6-2 सेकंड मात दी। बता दें कि भारत ने एशियाई खेलों में अभी तक 2 ही गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, दोनों ही पदक कुश्ती से मिले हैं। इससे पहले रविवार को बजरंग पूनिया ने इन खेलों का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। सोमवार को भारत की विनेश जब अपनी बाउट में उतरी तो वह पैर में दर्द की समस्या से जूझ रही थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सभी बाउट जीती और विरोधी रेसलर को कोई मौका नहीं दिया। गोल्ड मेडल के लिए खेले गए फाइनल मुकाबले में विनेश ने संभल कर शुरुआत की और पहले वह डिफेंसिंग अप्रोच के साथ खेल रही थी। विनेश को कस नजर आ रही थी और जब रेफरी ने उन्हें रक्षात्मक खेल छोड़ पॉइंट अर्जित करने के लिए कहा तो फिर विनेश ने मैट पर अपनी चपलता दिखाई और जापानी रेसलर पर बढ़त बना ली। अंकों के लिहाज से विनेश ने अपनी पहली बढ़त 4-0 के बनाई थी। इसके बाद इरी युकी ने 2 अंक अर्जित किए। इस बीच विनेश ने भी 2 अंक लेकर 4 अंकों किया पनी लीड को बरकरार रखा। अंत में मैच का निर्धारित समय पूरा होने के बाद विनेश ने 6-2 के अंतर से ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पहुंचने से पहले विनेश ने सेमीफाइनल में कोरिया की पहलवान किम को पटखनी दी थी। इस मुकाबले में विनेश ने किम को कोई मौका ही नहीं दिया और बाउट शुरू होते ही कुछ ही पलों में 11 अंक बटोर कर तकनीकी आधार 11-0 सेकंड मुकाबला अपने नाम किया था। इस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल के लिए अपनी चुनौती ठोकी। भारत की ओर से विनेश ने दिन की शुरुआत करते हुए चीन की सुन को हराया। उन्होंने इस जीत के साथ रियो ओलंपिक की अपनी कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया जब चीन खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले में पैर में चोट लगने के कारण विनेश मुकाबला हार गई थी। इस मुकाबले में विनेश ने इस बार विरोधी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और उसे 8-2 सेकंड हराया। अगली बाउट में उन्होंने कोरिया की किम को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हरा दिया। उनका सेमीफाइनल मैच केवल 75 सेकंड चला और वह फितले दांव के साथ फाइनल में पहुंची। वह 4-0 सेकंड आगे थी और फिर 3 बार विरोधी खिलाड़ी को पलट दिया। अपने पहले एशियाई खेल में साक्षी का सेमीफाइनल तक का सफर आसान रहा और उन्होंने थाईलैंड श्री सोमबत 10-0 और अयालुम किसिमोवा 10-0 को आसानी से शिकस्त दी। विनेश फोगाट की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।